हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं राधा और राधास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार चटपटा रगड़ा चाट, जो आसानी से घर पर बन जाता है। जो जो घर पर सामान है उसी सामान में आसानी से बन जाता है। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ली हूँ मैं एक कटोरी उबला हुआ मटर, जो रात को मैं भिगा दी थी और सुबह उबाली हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के कुकर में उबाली हूँ। और दो ठो उबला हुआ आलू चाहिए हमें। थोड़ा सा हरा चटनी जो इसमें मैं डाली हूँ, हरा धनिया, हरा मिर्ची और ये दो तीन ठो इमली। इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा सेव चाहिए हमें गार्निश के लिए। मसाला में चाहिए हमें लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक चाहिए स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, आलू को मैं काट लूँगी बारी बारी करके। चाहे तो आप हाथ में भी मसल सकते हैं आलू को। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स, ये हमने आलू को बारीक कर लिए हैं। अभी गैस पे कढ़ाई गरम कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच तेल और इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ प्याज और दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, तो फ्रेंड्स ये देखिए बारीक कटा हुआ टमाटर सबको मिला लेंगे और अच्छे से भून लेते हैं टमाटर को भी। और इसमें डाल देंगे हम आलू जो बारीक कटा हुआ रखे थे हमने, उसको डाल देते हैं और आलू को थोड़ा भून लेते हैं। कोई कोई टिकिया आलू का टिकिया बना लेते हैं और सेलो फ्राई करके डालते हैं। मैं यहाँ पर आलू को भून ली हूँ टमाटर प्याज के साथ, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है आलू भून लेने से। तो फ्रेंड्स, ये हमने आलू को दबाते हुए भून लिए हैं। इसमें डाल देते हैं पाउडर वाला मसाला जो लिए हैं हमने। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में बाहर का चीज नहीं खा पा रहे हैं तो घर पर ही आसानी से चाट बना सकते हैं। घर का रहता हुआ सामान जो घर पर यूज होता है उसी सामान में हम अच्छे से सिंपल सा रेसिपी ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू को और सारी खड़ा जो मसाला हमने पाउडर वाली ली थी सबको डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। ये देखिए हमने दबाते हुए आलू को अच्छे से मसाला भून चुका है हमारा। तो इसमें डाल देंगे चना, जो मटर चना लिए हैं उसको डाल देते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिए थे और एक कटोरी चना में हमने एक कटोरी पानी डाल के उबाले थे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मिल चुका है। अभी डालेंगे इसमें जो चटनी बनाए थे, इमली और हरा धनिया, हरी मिर्ची का चटनी जो बनाए थे, जो दो चम्मच हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा सामान हमारा मिल चुका है जो जो हमने डाले थे अच्छे से। और इसमें डाल देते हैं पानी, एक गिलास हम पानी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देते हैं ताकि ये सारी मसाला अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, ये 2 मिनट हो चुका है। अभी देखेंगे ये पक चुका है हमारा, कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है चाट। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और अच्छे से मिला लेंगे।
ये हमारा हो गया, परफेक्ट बन चुका है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गार्निश करने के लिए सारी सामान डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल सी रेसिपी है, आसानी से बन जाता है घर पर। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये डाल दिया हमने प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही को थोड़ा फेंट लिए हैं, क्रीम जैसे बना लिए हैं। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच, थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल देते हैं, 1-2 चम्मच डाल देंगे ऊपर से। अगर इसके जगह आप टमाटर सॉस के जगह मीठा सॉस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर छिड़क दिया है, थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है ऊपर से। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला पाउडर भी छिड़क सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है बारीक वाली सेव। फ्रेंड्स कॉर्नफ्लेक्स भी हमने डाल दिया है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है इसमें। और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है चटपटा मज़ेदार रगड़ा चाट। तो फ्रेंड्स लग रहा है ना अच्छा, तो ज़रूर घर पर बनाइएगा, घर पर बना के खाइएगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय।